सब बोलिए गुरु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज मैं आपके लिए अमावस्या का बहुत ही विशेष उपाय लेकर आया हूँ। अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में धन से संबंधित समस्या हो या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हो, घर के व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय आपको सिर्फ अमावस्या के दिन ही करना है और किसी भी दिन आप यह उपाय नहीं कर सकते। सिर्फ अमावस्या के दिन ही आपको यह उपाय करना है। वैसे तो यह उपाय पितरों के लिए होता है। अगर आपके पितर खुश होते हैं तो आपके घर में बरकत होती है। पैसे से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान बहुत जल्द होता है। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक कटोरी के अंदर चावल भर लेना है। कटोरी को चावल से पूरी भर लेना है ऊपर तक, और उस चावल के ऊपर आपको एक कपूर का टुकड़ा रखना है। चावल की कटोरी को भरकर उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखकर उसी कटोरी को आपको अमावस्या के दिन शाम को अपने घर के बाहर रखना है। शाम के समय आप उस कटोरी को रखेंगे, पूरी रात आपको उस कटोरी को रखे रहने देना है। रखना आपको अमावस्या के दिन शाम को है। अमावस्या के अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो स्नान वगैरह करके, पूजा पाठ करके आप अपने घर के बाहर जाकर उस कटोरी के ऊपर रखे हुए उस कपूर के टुकड़े को जला देना है। कटोरी को पहले उठाना नहीं है, सीधे बाहर निकलकर अपने साथ माचिस वगैरह लेकर जाइए और सीधा उस कटोरी के ऊपर रखे टुकड़े को आपको जला देना है। जब कपूर का टुकड़ा पूरी तरह से जल जाए उसके बाद आपको उस कटोरी के जो चावल है उनको उठाना है। चावल को उठाकर आप किसी भी पेड़ के नीचे उन चावल को डाल देना है। ऐसे पेड़ के नीचे डालना है जहाँ पर पक्षी वगैरह उस चावल को चुग सकें। यह छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन से संबंधित कोई भी समस्या हो उस समस्या का समाधान हो जाता है। इस उपाय से आपके पितर खुश होते हैं और आपके अगर पितर खुश होंगे तो आपके घर में बरकत होगी। अमावस्या के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। मित्रों, मैं हमेशा गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कॉमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से कोई फल मिला है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।